नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज 27 अगस्त 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके जीएस मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अराक नियोमा पर्वत कहाँ पर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आगे भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये पर्वत म्यांमार में स्थित है, अराक नियोमा पर्वत, ये आपका म्यांमार में इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है। अगला क्वेश्चन है बालकास झील कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दें कजाकिस्तान इसका सही उत्तर था, बालकास झील जो है कजाकिस्तान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC बार्क कहां पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र इसका राइट आंसर था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वायुसेना दिवस किस दिन मनाते हैं। तो आपको बता दें हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर है 4 नवंबर को। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को रिलेट करके क्वेश्चन और भी ट्रांसफॉर्म करने, तभी आप लोगों को जो आने वाले क्वेश्चन है वो पता चल पाएंगे। भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है। तो आपको बता दें विपिन रावत, विपिन रावत इसका सही उत्तर है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये आपके विपिन रावत है, राइट आंसर विपिन रावत इसका सही हो जाएगा। डिग्री रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है। तो अमेरिका और कनाडा इसका सही उत्तर था, अमेरिका और कनाडा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन जो है ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बता दें थेम्स नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लंदन जो है ये आपकी थेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो रूर क्षेत्र जो है ये आपका जर्मनी में स्थित है, जर्मनी देश में स्थित है। WHO और WTO का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। इसका मुख्यालय कहां पर है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था जिनेवा। WHO और WTO का मुख्यालय जो है ये आपका जिनेवा में है, जिनेवा इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है उड़ीसा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनु यात्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें धनु यात्रा पर्व ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा इसका सही हो जाएगा उत्तर, राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म चक्र की नीति अपनाई थी। तो आपको बता दें कलिंग का युद्ध जब हुआ था इसके बाद ही अशोक ने धम्म चक्र की नीति अपनाई थी, जिसमें जगह जगह जाके उन्होंने अपने जो है उपदेश दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे राइट आंसर जो था वो कलिंग युद्ध था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म चक्र की नीति अपनाई थी। कलिंग का युद्ध जो है कब हुआ था, किस सन में हुआ था, कमेंट सेक्शन में आंसर करें। और जो अशोक हैं किसको फॉलो करते थे, बुद्ध को कि जैन को। ठीक है, तो इसका भी आंसर कमेंट में करें। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में जो है स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो अमृतसर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है। तो आपको बता दें पृथ्वी की क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो आपको बता दें एल्युमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस का जो है लॉरेंस प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें फ्रांस का जो है लॉरेंस प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा लौह उत्पाद पाए जाते हैं, ठीक है, उपयोग के लिए। तो यहाँ पे लौह और इस्पात उद्योग के लिए जो है फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है ब्राज़ील, ब्राज़ील का राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक जो है कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, ब्राज़ील इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ, उत्तर पूर्वी मानसून में किस प्रदेश में वर्षा होती है। तो आपको बता दें उत्तर पूर्वी जब मानसून होता है तो वहाँ पर तमिलनाडु में काफ़ी तेज़ आंधी तूफान और भारी वर्षा देखने को मिलती है, तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
बकिंगम नहर कहाँ पर स्थित है? काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, सही उत्तर है कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर बकिंगम नहर जो है स्थित है, तो बकिंगम नहर जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है बूमला दर्रा कहाँ पर स्थित है? आपको बता दें इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। बूमला दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है अटलांटिका। अटलांटिका इसका राइट आंसर है, दक्षिण गंगोत्री जो है ये आपकी अटलांटिका में स्थित है, सही उत्तर अटलांटिका हो जाएगा। पेरू की राजधानी क्या है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था लीमा। पेरू की राजधानी लीमा है, लीमा इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो सोडियम इसका सही उत्तर था। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? तो बंगलुरु इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल विंग एनर्जी काउंसलिंग के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता जो है भारत स्थापित कर लेगा? ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर था 20 गीगावाट। ठीक है, 20 गीगावाट इसका सही उत्तर था। एक आदमी जो है अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 56.25 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो घड़ी का जो है क्रय मूल्य पूछा गया है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप लोगों को सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सीपी, उसका होगा 100। अब 5% की जब उसको हानि होती है, यानी कि 95 में जब बेचता है, ठीक है, तो उसको 5% की क्या होगी? हानि होगी। अब वो कह रहा है कि 10% का लाभ होता है, तो उसको 110 में वो उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है, तभी 10% का लाभ होगा। अब यहाँ पे 10% का लाभ जब होता है, जब वह 56.25 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि 95 और 110 का जो गैप है ये आपका 56.25 है, ठीक है। अब यहीं से हम लोग निकालते हैं आपका सीपी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? क्योंकि 95 और 110 के बीच की जो वैल्यू है वो 15 है, लेकिन दिया गया है 56.15, तो बस 15 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 56.15। तो एक की वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे तो 15 15 15 30 15 45, ठीक है, तीन बार में, और इसके बाद आप लोगों का 6 और 4 10, ठीक है, और फिर 15 फिर 3 15 57 होता है 15 6 90 15 7 105, ठीक है, फिर 15 75 कट जाएगा पूरा, और यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर आगे बढ़ाएंगे 0.00, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर 375 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, एक की वैल्यू आएगी 3.75 आएगी, ठीक है, 3.75 आएगी। एक की वैल्यू जब इतनी आ जाएगी तो हमें चाहिए 100 का वैल्यू, तो 100 का गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का 375 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। GUVI स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर था स्मृति मंथाना। स्मृति मंधाना जो है ये आपकी GUVI स्टार्टअप की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, PASEX 6 का आयोजन किन देशों के बीच में हुआ था? तो आपको बता दें भारत और बहरीन के बीच में PASEX 6 का आयोजन किया गया था, भारत और बहरीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि चावल को 54 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, लेकिन 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 100 किलो चावल है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 10% की हानि होती है, तो यानी कि 90 यहाँ पे परसेंट होता है, ठीक है, 90% जब होता है तो यहाँ पे 54 रुपये प्रति किग्रा में वो बेच रहा है, 54 में बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 20% का लाभ लेना है तो 120 बेचना पड़ेगा, तो अब पूछा है मूल्य, ठीक है, प्रति किलो की वैल्यू, तो यहाँ पे जब है पहले कितने बेच रहा है, 0.6 गुना हो रहा है, देखिए 90 का 0.6 गुना 54 है, तो यहाँ पे बस 120 का 0.6 गुना हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 12 6 72 होता है, और 720 है और एक अंक पहले दशमलव, तो 72 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है जब 20% का उसको प्रॉफिट लेना है तो उसको 72 रुपये प्रति किलो उसको बेचना पड़ेगा चावल को, ठीक है। पहले जब है उसका 10% का लॉस हो रहा था, तब वहाँ पे वो 54 रुपये में बेच रहा था, अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 72 रुपये में वो बेचेगा। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट भाषा में यदि SWITCH को 91 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में WARMTH को क्या लिखेंगे? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था 108 लिखेंगे, 108 इसका सही उत्तर था। कैसे करेंगे इस प्रकार के सवालों को? तो सबसे बेहतर तरीका है करने का कि A से लेकर आप लोग Z तक पूरा लिख लें, जितनी भी होती है आपका लेटर्स का
नंबरिंग, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं ए से लेकर एम तक की, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, फिर यहीं से एन का शुरू करते हैं और लेटर्स के नीचे लेटर्स होना चाहिए और यहाँ पे आप लोगों का जेड से एंड करते हैं। क्रम ऐसे चलता रहता है और फिर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, फिर ऐसे यहाँ फिर जाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन की होती है 14 और जेड की होती है 26। इस प्रकार सभी की नंबरिंग करते हैं, पैटर्न फाइंड करते हैं। पहले वाले में पैटर्न आपका जोड़ने पर बनेगा, जोड़ने पर गुणा करने पर, वही पैटर्न हम लोग सेकेंड वाले फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जब आप लोग फॉलो करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 108, सही उत्तर हो जाएगा 108। जनरल बिपिन रावत भारत के जो है कौन सवे सेना प्रमुख थे, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था जनरल बिपिन रावत जो है 27वें सेना प्रमुख थे, सही उत्तर था 27वें सेना प्रमुख।